बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूँ, तो थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो दीजिए आंसर पता हो तो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? दीजिए आंसर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, 3 के प्रथम 8 भुजों का औसत तीन के प्रथम 8 भुजों का औसत बताइएगा। 3 के प्रथम 8 भुजों का औसत, तो देखिएगा औसत भुज का मतलब होता है 3 का पहाड़ा में 8 का बढ़ना है। 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 × 12 3 × 12 5 × 15 5 × 15 6 × 18 7 × 21 7 × 21 24। औसत बताना है, औसत का मतलब होता है माध्य, औसत का मतलब होता है बीच का, औसत का मतलब होता है माध्य बीच का। तो जी देखिए इनका योग करेंगे, योग करके कितनी संख्या योग कर रहे हैं उनका भाग दे दीजिए, ऐसे करना है। परंतु जब सीरीज में अंतर समान हो, कोई सीरीज चल रही है और उसमें अंतर कैसा हो, समान हो, तो आपको क्या करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कितनी संख्या ले रहे हैं हम, 2, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका औसत आपको मिल जाएगा। 3 और 24 कितने हुए, 27, 27 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हुआ 13.5। तो 3 के प्रथम 8 भुजों का औसत 3.5 हो जाएगा। बात समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छा लगा हो ठीक है, तो लाइक करें। 3 के प्रथम 8 भुजों का औसत 13.5 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, 756 × 313 × 615 × 928 में आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा। इन संख्याओं में इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनमें सभी संख्याओं का इकाई अंक लिए उठाइए, हमें इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक पर कार्य करेंगे। 6 × 3 × 5 × 8 इकाई अंक लेना है, तो सभी का गुणा करेंगे, 6 × 3 18 18 × 5 90 90 × 8 करेंगे, 8 × 0 9 × 8 72, ये 720 प्राप्त हुआ। 720 में इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 जीरो। ठीक, बात समझ में आई, किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, वही 0 उत्तर होगा। जैसे हम यहाँ पर रख दें 313 310, 313 की जगह 310 रख दिया, आपसे पूछा कि इकाई अंक बताइए, तो हमने कहा 6 × 0 × 5 × 8। जब आपको इकाई अंक में 0 मिल जाए तो आंसर गुणा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए बात समझ में आई, जहाँ पर इकाई अंक में 0 है और आपसे इकाई अंक पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आंख मीच कर 0 रख देना है आंसर में। बात समझ में आ रही है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 0.16
0.0064 का वर्गमूल बताइए। इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल बताने हैं आपको, निकालिए। निकालिए तो आपको बताना है 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 किसका वर्ग है, 16 होता है साथ ही 4 × 4 कर देंगे, 16 प्राप्त हुआ। जब समान संख्याएं हैं तो उसमें से एक कॉमन लेंगे, 4 लिया। अब कितने अंक बाद पॉइंट रखा है, 2 अंक बाद क्वेश्चन में, तो आंसर में 1 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। तो उत्तर हुआ 0.16 का वर्गमूल 0.4 हुआ। इसी प्रकार ऐसे निकाल लेंगे, ये 64 किसका होता है, 8 × 8 करेंगे, 64 हुआ है, कॉमन लेंगे 8, कॉमन लेंगे 8। अब क्वेश्चन में कितने के बाद पॉइंट है, 4 बाद, तो उत्तर में कितने बाद पॉइंट आएगा, 2 अंक बाद, ठीक है, आधा हो जाता है आंसर में। पॉइंट जो इतना 4 है तो आधा होगा 2। यदि उत्तर में क्वेश्चन में पॉइंट 3 अंक बाद है तो उत्तर में 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। यदि क्वेश्चन में 3 अंक बाद पॉइंट है, ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में 3 अंक बाद पॉइंट है तो आंसर में 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। यदि क्वेश्चन में 4 अंक बाद पॉइंट है तो आंसर में 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 40, 96 का वर्गमूल बताइए। तो साथ ही कुछ नहीं करना आपको, 40, 96 का वर्गमूल बताइएगा, निकालिए साथियों। 40, 96 का वर्गमूल तो क्या करेंगे, हमें वर्गमूल के लिए दो संख्या लेते हैं, अंतिम दो संख्या लेंगे और अंतिम दो संख्या में इकाई अंक देखते हैं कौन सा है, 6। 6 किन किन संख्याओं के वर्ग के पीछे आएगा, 1, 2, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 1 आधा 6 का वर्ग करेंगे 36। तो हमें ये दो संख्या, अब उत्तर में हमें या तो इकाई अंक 4 होगा, उत्तर का या होगा 6। बात समझ में आई। अब देखिए 40 बचा है, किन संख्याओं के वर्ग के नज़दीक है, किन संख्याओं के वर्ग के नज़दीक है, तो हमने क्या 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 39, इन दोनों के बीच में किसके पास हो रहा है, 6 के पास। तो यहाँ पर ले लेंगे हम, यहाँ पर छोटी तो यहाँ पर भी छोटी, तो छोटी कौन सी, इनमें दोनों में 64, तो 40, 96, 64 का वर्ग होगा। बात समझ में आई, 40, 96, 64 का वर्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1:B = 4:5, B:C = 6:7 है, तो A:B:C का मान आपको बताना है। A:B:C का मान बताइएगा, तो कैसे करोगे, A:B, B के नीचे B रखना है, जो संख्या समान है उसके नीचे वही संख्या रखनी है, क्योंकि एक संख्या एक टाइम में एक ही बार तो आ सकती है, तो इसलिए एक संख्या को हम उसी संख्या के नीचे रखेंगे जो संख्या कॉमन है। तो A:B का अनुपात कितना है, 4:5, B:C का मान 6:7, यहाँ पर एक खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान, जिसके बराबर में खाली स्थान है उसी संख्या को रख देंगे 6, यहाँ पर रख दिया 5, इनका गुणा सभी का सीधा करेंगे, ये हुआ 6×6=24, 5×5=30, 7×5=35। अब ये कटता तो इसे काट देते, तीनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए, अब इन दोनों को 2 से काट देते परंतु ये नहीं कटेगी, यदि दोनों को 5 से काट देते परंतु ये नहीं कटेगी, तो इनका आंसर 24:30/35 ही होगा। अगला क्वेश्चन, 2,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो
निकाल लीजिए, सूत्र पता होगा तो आप आंसर दोगे, या तो क्वेश्चन का सूत्र नहीं पता तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लगा दीजिए साथियों, मूलधन कितना है 2000, दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 बटे 100, 00 से 00 बच्चा कितना 20 गुणा 5 गुणा 3, 20 × 5 = 100, 300। तो 2000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। बस समय में आइए, चलिए वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। दसवां क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन